आज मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह से लौकी पकौड़ा। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिए हैं, अब इसमें डालेंगे 2 कप बेसन, 1 कप कॉर्नफ्लोर। अब इसमें डालेंगे सभी मसाले, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1/4 चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला 1 छोटी चम्मच, थोड़ी सी गरम मसाला, नमक 2 चम्मच, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। सभी कुछ को अच्छी तरह से मिला लिए हैं, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा बैटर तैयार कर लेती हूँ। बैटर तैयार हो चुका है, इस तरह का गाढ़ा बैटर तैयार किए हैं। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। यहाँ पर तेल को गरम कर लिए हैं, अब लौकी में बैटर को इस तरह से लगाकर तल लेना है। इसे पलट दिए हैं, इसी तरह अलटते पलटते 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये पकौड़ा अच्छी तरह से पक चुका है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से सभी पकौड़ा को बना लेंगे। ये लौकी पकौड़ा खाने के लिए तैयार हो चुका है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।